नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में प्रधान शिक्षक की बहाली का अपडेट देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बड़ी बहाली का आयोजन फिर से होने वाला है और वो नियोजन नहीं डायरेक्ट नियुक्ति होगी दोस्तों, और इसका एग्जाम BPSC के थ्रू लिया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं या इसके क्या नियमावली है, अगर आप हमें कमेंट करके बताइएगा तो उस पर हम वीडियो बना के जरूर आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, भरना चाहते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसकी सीटों की संख्या जो है 40,415 के आसपास है दोस्तों, 40,515। इतना सीटें आपको बहुत अधिक है और डायरेक्ट आपको बताते हैं ये नियोजन नहीं डायरेक्ट नियुक्ति है। अगर आप पहले से टीचर हैं तो इसमें भर सकते हैं, आप सीटेट पास हैं, टेट पास हैं, कोई पास है तो आप भर सकते हैं। पहले इसमें अनुभव खो दिया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट में केस करने के बाद ये अनुभव को हटा दिया गया है और फैसला भी सुरक्षित रखा गया। अभी फैसला पूरी तरह से आया नहीं है, लेकिन वो लोग भर सकते हैं जो टेट और सीटेट पास है। ऐसे अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर विशेष वीडियो बनाएंगे। ऑलरेडी पहले से वीडियो बना दिए हैं, लेकिन अगर आपका मांग होगा तो फिर से हम डिटेल इसके लिए वीडियो बना के लाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन भरना चाहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हमने ये बताया है कि कौन से जिले में कितने कितने सीटें हैं, तब उस अनुसार आप इसको फॉर्म भर सकते हो। सके फॉर्म भरने का जरिया आपका ऑनलाइन प्रोसेस हो या कुछ और ढंग से हो, क्योंकि इसका अभी नोटिफिकेशन निकला नहीं है, अभी सीट की संख्या ही मांगी जा रही है। हर एक जिलों की संख्या आ गई है, लेकिन ये अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, रोस्टर नहीं निकाला गया है कि किस आरक्षण में किन की सीटें जा रही है, SC ST के कितनी सीटें जाएगी, जनरल के लिए कितना, EWS के लिए, क्योंकि उसको कैटेगरी वाइज बांटना भी है। सिर्फ अभी ये डाटा दिया गया है कि पटना में इतने सीटें हैं, नालंदा में इतना सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में, पूर्वी चंपारण में, गया में इतने सीटें। जो अभी हमने जिलों का नाम बताया, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, पूर्वी चंपारण, इस समय समझे 2,000 के आसपास के, 1600-1700 के आसपास के सीटें हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करने वाला, इतनी बड़ी सीटें, अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते तो अभी से ही लग जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम BPSC लेने वाला है तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा दोस्तों, इसलिए इसमें लग जाइए। हाँ, इसका पेमेंट भी हार्ड होगा, जब आपका नियुक्ति होगा तो पेमेंट भी हार्ड होगा, हाई होगा, और नियोजन नहीं है नियुक्ति है दोस्तों, तो इसकी तैयारी आप लग जाइए। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारा डाउटों को हमने क्लियर कर दिया गया है कि कहां कहां कौन से जिले में सीटें हैं। कुछ जिले की सीटें 300-400 के आसपास हैं और कुछ जिलों के 1500-1600-1700-1800 सीटें यहां पे शो कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। अगर इससे प्रधान शिक्षक से रिलेटेड और भी आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि लगातार इस पर मेरी नज़र बनी हुई है। अब पल पल का अपडेट हम आपको प्रधान शिक्षक को लेकर देते रहते हैं। अभी उसका कोई यूट्यूब चैनल उतना नहीं दिया होगा या दिया होगा, संक्षेप में नहीं बताया होगा, लेकिन जो हम गाइड कर देंगे वो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि हम आपके अनुसार ही गाइड करते हैं, जो आपकी मांग होती है उनके अनुसार ही हम गाइड करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, नहीं समझ पाए तो वहाँ पे आप कमेंट करके हमें बताइएगा, किस पॉइंट को हमें फिर से समझा दिए तो हम जरूर आपको समझाएंगे। तो चलिए लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। बहाली को लेकर या फिर कहिए प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये अपडेट दे दिया गया है कि कौन से जिलों में कितने सीट है ये बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेषक अमरिंदर प्रसाद सिंह, प्राथमिक जो निदेशक है, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, दोनों की तरफ से दोनों के लिए जारी किया गया। जितने भी जिला हैं बिहार के 38 जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी DO और DPO दोनों के लिए दिनांक 11/10/2021 के यानी कि 11 तारीख को ये जारी किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं विषय जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पद आवंटित करने एवं तदनुसार आरक्षण रोस्टर का कार्य संपादित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, और ये भी दिखाएंगे और देखेंगे, ये भी देखिएगा जिला वाइज जिला अपडेट मेरे पास आ गया कि कौन से जिले में कितनी सीटें हैं प्रधान शिक्षक के लिए। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, महाशय आप अवगत हैं कि विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापन 7/30/2021 दिनांक 4/10/2021 के द्वारा राज्य सरकार के पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायत प्रारंभिक शिक्षक
या नगर शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत पद में से 40,518 पद को प्रतापित करते हुए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक के पद की स्वीकृति प्राप्त है। प्रधान शिक्षक के स्वीकृति सभी पद सीधे नियुक्ति से भरा जाना है, यानी कि यह ना नियोजन होगा, सीधे नियुक्ति आपका होगा। जो 40,518 शिक्षकों का होगा वो नियुक्ति होगा। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा कि उक्त के आलोक में प्रधान शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों में 40,518 संलग्न सूची के अनुसार जिले को आवंटित किया जाता है, यानी कि किस जिले में कितने सीट उसका आवंटित कर दिया गया है। तदनुसार प्रधान शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए निम्नांकित निर्देश दिया जाता है। क्या क्या निर्देश है वो हम आपको बता देते हैं। राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में समान प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा, यानी कि जो राज्य सरकार है और जो सीधे नियुक्ति के लिए जो नियमावली बनाया गया है वो इसमें लागू होगा। आरक्षण का वही जो आरक्षण है वही आरक्षण इसमें रहेगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही किया जाएगा। जी हाँ, जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होगी, बहाली होगी, जो जिला के अनुसार जिस आरक्षण का रोस्टर है उसी अनुसार के किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है, प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय का आरक्षण समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो आरक्षण का समाधान होने का रहेगा प्रधान शिक्षक के लिए, उसका संशोधन कौन करेंगे, तो जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति है तो आरक्षण बिंदु एक से प्रारंभ होगा, जो आरक्षण एक से स्टार्ट हुआ है वही इसमें लागू किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अतः उपयुक्त दिशा निर्देश का पालन करते हुए दिनांक 23/10/2021 तक आरक्षण समाशोधन के पश्चात जिले की कोटिवार रिक्ति समेकित कर प्रतिवेदन सॉफ्ट कॉपी ईमेल आईडी इतना पर तथा इसके हस्ताक्षरित प्रति विशेष दूत द्वारा निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलावार प्रधान शिक्षकों के आवंटित पद का विवरण यहां पे दिया हुआ, देख लीजिए 11/10/2021 के अमरेंद्र प्रसाद सिंह प्राथमिक शिक्षा की तरफ से जारी किया गया। अब चलिए जिला बाय जिला बताते किस जिले में कितने सीटें हैं। देख लीजिए जिलावार प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षा का आवंटित विवरणी यहाँ पे दिया हुआ, क्रमांक है, जिला का नाम है। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की स्वीकृति या आवंटित पदों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। पहला है अररिया। अररिया में देखिए जो सीटें हैं, कुल संख्या है सीटों की 1,327 है। इतनी सीटें अररिया में है, यानी कि लगभग लगभग अभी जो दिख रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा अररिया का ही यहाँ पे दिख रहा है सीटें। तो जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, या तो भावनाओं में भूल जाइएगा और लाइक भी नहीं कीजिएगा। और जो लोग नए चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अररिया का हमने दिया दोस्तों 1,327। अरवल का आपको बता देते हैं, अरवल का जो सीट है 335 है। तीसरे नंबर पे आ जाइए औरंगाबाद। औरंगाबाद का सीट 1,093 है, यहाँ पे देख सकते हैं औरंगाबाद का 1,093। बांका का देख लें तो बांका जिले में आपको देख सकते हैं 1,220 सीटें शो हो रहा है। वहीं पांचवें नंबर पे बेगूसराय की बात कर ले तो बेगूसराय में 738 सीटें आपको यहाँ पे शो हो रहा है। छठे नंबर पे बात कर ले तो भागलपुर के, तो भागलपुर में 902 सीटें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सातवें नंबर पे भोजपुर की बात कर ले तो 1,139 सीटें भोजपुर में है आप। आठवें नंबर पे बात कर ले तो बक्सर में 651 सीटें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं दरभंगा की बात कर ले तो 1,424, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा अररिया के बाद दूसरे नंबर पे दरभंगा, यानी कि सबसे ज़्यादा भी सीट दरभंगा में ही दिखाई दे रहा है 1,424 सीटें। दसवां में पूर्वी चंपारण की सीट 1,914, सबसे ज़्यादा सीट अगर कहीं निकला है तो यहाँ के आसपास पूर्वी चंपारण में, इससे ज़्यादा सीट कहीं नहीं है। देख सकते हैं पूर्वी चंपारण लगभग 2,000 के आसपास 1,914 सीटें। गया की बात करें तो 1,697 सीटें, ये आपका गया का, यानी कि फर्स्ट पे पूर्वी चंपारण और सेकंड पे गया आने वाला है।
गोपालगंज की बात कर ले तो 1055 सीटें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जमुई की बात कर ले तो जमुई में 828 सीटें शो कर रहा है। जहानाबाद की बात कर ले तो जहानाबाद में 547 सीटें यहाँ पे शो हो रहा है। कैमूर की बात कर ले तो कैमूर में जो सीटों की संख्या है 612 है। कटिहार की बात कर ले तो कटिहार में 1115 सीटें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। खगड़िया की बात कर ले तो खगड़िया में 544 सीटें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं 18वें नंबर पे बात कर ले किशनगंज की तो किशनगंज में 812 सीटें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लखीसराय की बात कर ले तो लखीसराय में 473 सीटें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मधुपुरा की बात कर ले तो 810 सीटें हैं। मधुबनी की बात कर ले तो 1883 सीटें हैं, यानी कि पूर्वी चंपारण के बाद मधुबनी की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पे देख सकते हैं। पहले नंबर पे पूर्वी चंपारण, उसके बाद मधुबनी है, 1883 सीटें हैं। मुंगेर की बात कर ले तो 536 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर की बात कर ले तो 1632 सीटें हैं, यानी कि यहाँ भी अधिक सीटें हैं। चौथे या पाँचवें नंबर पर जिला रहने वाला है। नालंदा की बात कर ले तो 1352 सीटें हैं। नवादा की बात कर ले तो 963 सीटें हैं। पटना की बात कर ले तो 1984 सीटें हैं। पूर्णिया की बात कर ले तो 1354 सीटें हैं। रोहतास की बात कर ले तो 1271 सीटें आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। पटना में भी देखिए दूसरे नंबर पे, शायद पटना नहीं, फर्स्ट नंबर पे पटना है। पूर्वी चंपारण को भी पीछे छोड़ दिया पटना, यहाँ पे देख सकते हैं। नवादा में 963 है, पटना में 1984 सीटें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पूर्णिया की बात कर ले तो 1354 सीटें। रोहतास की बात कर ले तो 1271 सीटें। सहरसा की बात कर ले तो 754 सीटें। समस्तीपुर की बात कर ले तो 1540 सीटें। सारण की बात कर ले तो 1436 सीटें। शेखपुरा की बात कर ले तो 247। शिवहर की बात कर ले तो 216। सीतामढ़ी की बात कर ले तो 1107 सीटें। सिवान की बात कर ले तो 1209 सीटें। सुपौल की बात कर ले तो 1047 सीटें। और वैशाली की बात कर ले तो 1112 सीटें। और पश्चिमी चंपारण की बात कर ले तो 1639 सीटें आपको होता है। तो कुल पदों की संख्या आपको यहाँ पे 40518 हो जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये डाटा अमरिंदर प्रसाद सिंह की तरफ से जारी किया गया। तो ये अपडेट हमने दिया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे वीडियो न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।